वेल हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यार, आज हम दोबारा से खेल रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवोल्ड मोबाइल। और जैसा कि तुम देख सकते हो, पिछली वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में बिल्कुल भी नहीं खेला, जो कि बहुत गलत बात है। तो अब से मैं ऑफलाइन में भी इसे थोड़ा थोड़ा खेलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ वीडियो में ही गेम को खेलता रहा तो यार सदियों लग जाएंगे इस गेम को खेलने में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है फिर। तो आज की वीडियो में हमें क्या करना है? आज की वीडियो में हमें ढूंढनी है एक अच्छी सी सेफ लोकेशन, जहाँ पे हम बनाएंगे अपने लिए एक छोटा सा बेस। और हमें उसके बाद टेम करना है एक मोस्चोप को, क्योंकि बेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मटेरियल लगता है, तो अकेले तो मैं कलेक्ट कर नहीं सकता, तो मोस्चोप हमारे लिए वो सारे मटेरियल्स कलेक्ट करेगा। सोचा तो यही है, देखते हैं आगे क्या होता है। मस्त प्लान है। तो मेरे बेस के पास में ही एक मोस्चोप घूम रहा है, तो मैं उसी को टेम करने वाला हूँ। तो इसे टेम करने के लिए टिंटो बेरी चाहिए। ओके, तो जो रेड वाली बेरी है उसे हमें हॉट बार में रखना है और उसके सामने जा कर के फीड कर देना है। तो देख सकते हो तुम लोग, 32% टेम हो चुका है। तो चार बार ये और खाएगा, तो मैं वेट कर लेता हूँ इसके हंग्री होने का। ओके, तो रात हो चुकी है, तो मैं एक स्लीपिंग बैग बना लेता हूँ। तो स्लीपिंग बैग को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब मैं सो जाता हूँ, होपफुली सुबह तक वो दोबारा हंग्री हो जाएगा। ओके, तो मैं सो के उठ चुका हूँ और हमारा मोस्चोप भी हंग्री हो चुका है, तो इसे फीड करते हैं। और ये 65% टेम हो गया और हमारा लेवल अब भी हो चुका है, तो मैं इस लेवल को मूवमेंट स्पीड में लगा देता हूँ। ओके, तो आखिरी बार इस मोस्चोप को फीड करना है हमें। ओके, तो टेम हो गया हमारा पहला डाइनो। तो मैंने बनाए थे ये फाइबर के कपड़े और इन कपड़ों में मैं बिल्कुल डाकू लग रहा हूँ। ओके, तो अब वक्त है हमारे बेस के लिए एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढने का। तो मैं यहाँ से अपना सारा सामान ले लेता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे अपने बेस के लिए एक लोकेशन ढूंढने। तो फाइनली मुझे एक लोकेशन मिल गई है और यहाँ पर है ये लोकेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने मोस्चोप को फटाफट काम पे लगा देता हूँ। तो मोस्चोप से काम कराने के लिए तुम्हें उसे फॉलो करा के झाड़ियों के पास लेकर के आना है और उसे करना है स्टॉप, और उसका जो है इनेबल वॉन्डरिंग ऑन कर देना है। उसके बाद ये खुद ब खुद काम करने लगेगा। तो देख सकते हो तुम लोग, थोड़ी देर में इसने 38 फाइबर और बेरीज कलेक्ट कर लिए। तो फर्स्ट लिटिल फोमिया परसूट को ऑन कर देते हैं, इससे फ्री का एक्सपी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे चार फाउंडेशन लगाने हैं, तो मैं यहीं पर अपना फाउंडेशन लगा देता हूँ। एक, दो, और ये तीन, और ये चार। उसके बाद लगाना है डोर फ्रेम और एक दरवाज़ा। उसके बाद चारों तरफ से दीवार लगा देनी है। ओके, तो रूफ बनाने के लिए मटेरियल ही नहीं बचा मेरे पास, तो मैं मोस्चोप से मटेरियल ले लेता हूँ। और इसने कितना ज़्यादा मटेरियल फार्म करके रखा है। ओके, तो अब हम लगा देते हैं रूफ। उसके बाद एक बेड लगा देंगे यहाँ पर, और बेड के बगल में दो स्टोरेज। तो फालतू का सामान मैं स्टोरेज बॉक्स में डाल देता हूँ। तो हमारा बेस बनके रेडी हो चुका है और मैं जानता हूँ किसी हिसाब से बेस नहीं लग रहा है, लेकिन ऑफलाइन में मैं इसे बड़ा बना दूंगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्ड के। तब तक तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो करना, करो फिर, करो ना भाई।